कितना मस्त व्यू है अपने इधर भी ने। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आ गई हूँ मैं अपने घर और ये है मेरे घर के बाहर का व्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और सुबह सुबह का वक्त है, हम सबसे पहले करेंगे अपना काउंटर क्लीन। किचन का सबसे पहला काम हमारा क्लीनिंग का ही होता है क्योंकि रात भर कॉकरोचेस और ये वो ऐसे फिरते हैं ना, तो सुबह ऐसे ही उस पर कुकिंग कर ही नहीं सकते, ये पहले से ही आदत है। पहले अपना काउंटर क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर जो नाश्ता ब्रेकफास्ट जो बनाना है वो। और हमारा यही है रोज़ का, मतलब क्लीनिंग का। सुबह उठते ही क्लीनिंग का सब काम मम्मा कर लेते हैं और जो ब्रेकफास्ट वगैरह होता है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग करने में ना मुझे बहुत बड़ा आलस आता है। मतलब कर लेती हूँ, कभी कभार कर लेती हूँ, बट ज़्यादा अगर ऑप्शन में मिला तो मैं कुकिंग का या किचन का ही हैंडल करती हूँ, क्लीनिंग का मम्मा को ही थोप देती हूँ। और साइड में मैंने दूध गर्म होने रख दिया है चाय के लिए। और यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही हूँ, ऑमलेट में फ्राई एग बना रही हूँ, क्योंकि आज सिंपल ही ब्रेकफास्ट करना है। हम बहुत दिन घर में थे नहीं, तो घर का जो हाल हुआ पड़ा था पूरा बिखरा पड़ा था, तो हमें पूरी क्लीनिंग करनी थी। बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ था सब, तो घर में बहुत ही ज़्यादा काम थे तो कुछ ज़्यादा बनाने का मन भी नहीं था। और अपना ये सिंपल ब्रेकफास्ट ये तो सबका फेवरेट ही होता है, तो मैं ये हाफ़ फ्राई बना रही थी। मम्मा को तो सनी साइड अप लगता है और मुझे तो पूरा अल्टी पल्टी करके फ्राई, पूरा पका हुआ चाहिए मुझे। एक तो वैसे भी मैं एग योक खाती नहीं हूँ और थोड़ा भी कच्चा रहा तो मुझे ज़रा भी नहीं पसंद। तो हम इसको ढक के रख देंगे, फिर वो अच्छे से अब जल्दी से पक जाता है, मतलब उस पर कवर भी आ जाता है तो वो अच्छा लगता है। और मेरा मैं अब बनाऊंगी, उसको मैं पलटी कर दूंगी। तो कहना यही था कि हम कॉलेजेस में होते हैं या अपने काम पे होते हैं तो हमें घर पे हेल्प करने मिलता नहीं है, तो अब जब भी छुट्टी हो तो अपनी अम्माओं की ढेर सारी हेल्प करें उनके कामों में। लड़के भी है तो उन्हें भी मैं कहती हूँ कि अपनी अम्माओं की हेल्प करें, क्योंकि इतने सालों से वो अकेली करती आ रही है। हाउस हेल्प भी किसी किसी के घर में होती है, किसी किसी के नहीं, वो पूरा करती है। तो मेरा कहना यही है कि जितनी हो सके उतनी हेल्प करें, इसमें नेकी भी है, आपको सवाब भी होगा और अपनी आपकी अम्माएं भी खुश होगी। तो बस जितनी हो सके उतनी हेल्प किया करें। फिर तो खैर जब कॉलेज होता है तो अब तो हम कुछ करते ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत होता है वो कर लेते हैं। और जब मेरा कॉलेज होता है तो संडे के दिन तो मैं पूरे काम करती हूँ। मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है कुकिंग में, किचन में, दिन भर किचन में पड़े रहना, बट बाकी के क्लीनिंग के कामों में थोड़ा बहुत आलस करती हूँ, वो भी करना ही पड़ेगा बाद में, वो तो इंशाल्लाह करेगी। तो इसके बाद हमने रख दी है चाय, जो कि ज़रूरी है, सुबह सुबह चाय के बिना तो हमसे कुछ काम होता ही नहीं है। तो बस यही आपसे शेयर करना था अपना डेली रूटीन। अब तो पूरा सेट हुआ नहीं था तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए और छोटा सा ही वीडियो बनेगा ये। अगर आप सबने बहुत सारा प्यार दिया तो मैं अपना डेली रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा कॉलेज भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अपने कॉलेज का, अपने कॉलेज से फिर घर, फिर उसका थोड़े बहुत रेसिपीज़ वो सब आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। हो गया हमारा नाश्ता रेडी, हम दोनों बैठ के अच्छा सा नाश्ता करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। और बाहर का मौसम तो चेक करिए फ्रेंड्स, इतनी मस्त सी बारिश हो रही थी ना, आपके वहाँ पे मौसम कैसा चल रहा है प्लीज़ मुझे बताना। उसके बाद हमारा चाय नाश्ता सब हो गया था। और ये जो बॉटल आपको दिख रही है वो हमारे पास स्प्रिट चीज़ की बॉटल रखी हुई थी, उसमें हम जो बचा हुआ दूध रहता है वो खाली करते हैं और उसे स्टोर करके रखते हैं। ये हमारे देसी मॉम्स बड़े जुगाड़ी होते हैं, जुगाड़ कहीं से तो ढूंढती है। मैं अमेज़ॉन पर सर्च कर रही थी दूध रखने के लिए बॉटल, तो मेरी अम्मा ने निकाल के ये वाला डब्बा मुझे थमा दिया, कहती है इसी में स्टोर करके रखना, वैसे भी वो वेस्ट हो रहा था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो उसे हम फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज भी कुछ सेट किया हुआ नहीं है अभी फ़िलहाल, हम अभी ही घर में आए थे तो कुछ सेट नहीं किया हुआ था। फिर ये जो चाय के बर्तन, सबसे मुश्किल काम होता है बर्तन धोना, ये हम बर्तन धोएंगे, क्लीन करेंगे और देखते हैं आगे क्या करते हैं, आपको बताती हूँ मैं।
और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस अच्छी अच्छी आपके लिए ला सकूँ। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मेरे पास, मैं आपसे सब शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और सलाला की हमें तो बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, अभी तो सलाला का मौसम और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है, तो हमें ऐसा लग रहा था और एक महीना रह जाते अच्छा होता, बट खैर यहाँ पे भी बहुत काम थे, मेरा कॉलेज स्टार्ट होना था तो फिर इसलिए हमें आना पड़ा। इंशाल्लाह जाएंगे नेक्स्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दी। और यहाँ पे हमारे सब किचन काउंटर सब क्लीन हो गया है, और वहाँ पे मैंने रिंग लाइट लगाई है ताकि आपको वीडियो क्लियर क्लियर अच्छे से लाइट में दिखाई दे। ये है मेरा नानी का घर, जो कि मेरा फेवरेट जगह है, बहुत ही सुकून मिलता है वहाँ जाके। हमारे घर पे बहुत ज़्यादा काम थे तो मेरी खाला ने कहा कि आप लोग खाना खाने यहीं पर आ जाना, खाना घर में पकाना नहीं, क्योंकि दूसरे बहुत काम है। और ये कम्फर्ट फूड हमारा, जो कि ड्रमस्टिक वाली दाल, आलू की सब्ज़ी, मिर्ची फ्राई, अचार और पापड़, ये तो खाना सबका फेवरेट होता है, बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन यही है। और मिर्ची फ्राई जो कि हमारी फेवरेट है, मैं हर रोज़ उसे फ्राई करके खाती हूँ मिर्चों को। और ये वाला व्यू हमारे यहाँ का बहुत ही, हमारे यहाँ पे घूमने के लिए एक्चुअली बहुत सी जगहें हैं, बट बारिश इतनी ज़्यादा है कि मुझे बाहर निकलने मिल ही नहीं रहा है। और बारिश में बाहर निकल भी जाऊँ तो मुझे शूट करने नहीं हो रहा है, क्योंकि फ़ोन भीग जाता है। तो इंशाल्लाह थोड़ी बारिश कम होती है तो मैं आप सबको ज़रूर घुमाऊंगी अपना गांव, बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो है मेरा घर, छोटू सा प्यारा सा, हम खाना खा के अपने घर आ चुके थे, उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, फिर शाम हो गई थी और ये कपड़े पड़े थे तो मैंने उसे फोल्ड करके रख दिया अच्छे बच्चों की तरह। मेरी है ना कुछ दोस्तें मुझे कहती है कि तेरी शक्ल देख के ऐसे लगता तो नहीं है तू घर पे काम करती होगी, तो फ्रेंड्स आप ही देख लो अब मैं काम करती हूँ या नहीं। द नेक्स्ट डे, और अब हो गया था नेक्स्ट डे, और दावतों का सिलसिला तो हमारा ख़त्म हो ही नहीं रहा है। तो आज मेरी खाला ने मेरी फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया था, तो वहाँ पे मुझे बुलाया था नाश्ता करने के लिए। तो घर से मेरे थोड़े ही 5 मिनट की दूरी पर ही मेरी खाला का घर है, तो हम वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके हम देखते हैं उन्होंने क्या मेरी फेवरेट डिश बनाई है। तो मेरी खाला का जो घर है वो ऐसे ऊपर थोड़ा पहाड़ पे है, जहाँ पे जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा बोर होता है इतना पूरा चढ़ के जाने, तो वो मुझे वही कहती है तू मेरे घर आती नहीं है, इतना ऊपर चढ़ के जाएगा कौन फ्रेंड्स, आप ही बताओ। और ये मेरी खाला ने बनाया था मेरा फेवरेट नाश्ता, जो कि है इडली सांभर और चटनी, मेरा फेवरेट है। और ये वाली मेरी खाला जो है ना वो बहुत ही बेस्ट बनाती है। और हमने कर लिया था नाश्ता और अब हम निकल गए थे, हम जा रहे थे अपने घर। और ये जो मेरा छोटू सा कज़िन है वो मुझे बता रहा था वहाँ पे कि बेकरी ओपन है, मुझे वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, तो देख के चलते हैं। वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ली जो हमें चाहिए थी बेकरी से, जो कि मैं उन्हें बहुत ही दिनों के बाद मिल रही थी। और मैंने स्कूल के बाद हम सब फ्रेंड्स अलग अलग हो गए, कोई हॉस्टल में, कहीं कहीं अपने अपने कॉलेजेस में होते हैं, तो ऐसे सब एक साथ मिलने का बहुत ही कम चांस मिलता है। ये मेरी दोस्त मेरे घर के पास ही होती है और उसकी अभी छुट्टियां चल रही थी और मैं भी वहाँ से अभी आई थी, तो हमने प्लान बनाया और हम मिले और हम जा रहे थे बीच के पास। थोड़ा आपको पता है इतने दिनों बाद दोस्तें मिली तो फिर बातें गप्पे ख़त्म ही नहीं होते, तो फिर हम गए बीच पे और थोड़ी बहुत बातें किए। और ये वाला बीच है ना मेरे घर के पास में ही है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ जाके मैं डिटेल में वीडियो ज़रूर बताऊँगी। ये तो बस मैंने ऐसी ही छोटी छोटी क्लिप्स ले ली थी आपसे शेयर करने, और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना था तो फ़ोन साइड में रखे, थोड़ा हम एंजॉय कर रहे थे। आप भी एंजॉय करिए बहुत प्यारे से व्यू को। तो देखा आप लोगों ने कितना प्यारा व्यू है, कितना खूबसूरती है मेरे विलेज में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मेरा गांव है। हम फ्रेंड्स ने वहाँ पे बैठ के थोड़ी बहुत बातें की और फिर जाके थोड़ा बहुत फास्ट फूड खाया।
और फिर हम अपने घर आ गए। इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छा और बड़ा व्लॉग बनाऊंगी, आपसे सब रूटीन शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।